बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर लेसन। दिस इज़ अबाउट द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेसन के अंदर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को, लेकिन इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेसन के अंदर जो हमने फार्मूलाज को कंक्लूड किया था वो यहाँ दोबारा लिखेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने एक रिलेशन डिस्कस किया था कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के साथ और पोटेंशियल के साथ। सो वो स्टूडेंट, हमारे पास फॉर्मूला ये था, Q इज इक्वल टू सी वी। यहाँ पर ये हमने कंक्लूड किया था कि Q चार्जेस हैं या कैपेसिटर्स के बारे में कि कितने चार्ज उसके अंदर स्टोर होते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस को चेक करने के लिए हम C और V जो है हमारे पास पोटेंशियल था कि जो बैटरी प्रोवाइड करे या कैपेसिटर के ऊपर मौजूद चार्जेस की वजह से बनने वाला जो पोटेंशियल है वो कितना होगा। यहाँ से अगर हम स्टूडेंट्स अपने कैपेसिटेंस को सेपरेट करें, क्योंकि हम मोस्टली कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को डिस्कस करते हैं, तो ये फार्मूला बनेगा Q ओवर V। सो हम ये फार्मूलाज हैं जिनको यूज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हम ये देखेंगे सबसे पहले कि कम्बिनेशन के अंदर सीरीज कम्बिनेशन कैसा होता है। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर अगर हम ये देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास डायग्राम कुछ यूँ बनती है। नाउ लेट्स चेक स्टूडेंट, दिस इज द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये हमारे पास कैपेसिटर्स हैं और इन कैपेसिटर्स को हम यूँ लिख सकते हैं, नाउ दिस इज क्यू वन, दिस इज क्यू टू एंड दिस इज क्यू थ्री। दिस इज द बैटरी डेट प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल एज वी। स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें कि सीरीज के अंदर ये तमाम के तमाम एक सीक्वेंस में लगे हैं, लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जब हमने डिस्कस किया था तो उनका कम्बिनेशन कुछ यूँ था, हमारे कैपेसिटर्स कुछ इस तरह से अटैच थे वहां पर, ये हमारे पास कैपेसिटर्स थे। सो दिस इज कॉल्ड द पैरेलल कम्बिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड द सीरीज कम्बिनेशन। थोड़ा सा हम प्रीवियस को भी साथ साथ मेंशन करेंगे स्टूडेंट, अगर प्रीवियस टॉपिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर हमने ये बात की थी कि पोटेंशियल हमारे पास सबको इक्वल मिलता है और जो चार्जेस हैं टोटल चार्ज वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा हम इसको भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास पोटेंशियल है V, मैं पोटेंशियल प्रोवाइड करता हूँ इस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जैसे ही हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट, पहले वाले को पोटेंशियल की मदद से कुछ चार्जेस मिलते हैं। जैसे ही वो चार्ज मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो चार्जेस आए हैं वो दो हैं, सपोज इट। स्टूडेंट अगर आपकी फर्स्ट प्लेट पर दो चार्ज आ रहे हैं तो दो चार्जेस की वजह से आपकी सेकंड प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ दो नेगेटिव चार्ज ही इंड्यूस्ड होंगे, सेम सीक्वेंस चलती रहेगी। अगर यहां पर दो नेगेटिव हैं तो इस प्लेट पर दो पॉजिटिव आएंगे, इसी तरह यहां पर दो नेगेटिव, फिर दो पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। अब आप यहां पर एक चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि सीरीज कंबिनेशन के अंदर आपके पास चाहे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस ज्यादा हो, इट माइट बी पॉसिबल के द क्यू टू हैव अ कैपेसिटी टू स्टोर द फोर चार्जेस इन इट, लेकिन यहां सीरीज कंबिनेशन के अंदर स्टार्ट में दो चार्ज के इंड्यूस होने की वजह से हमारे पास बाद में जितनी भी प्लेट्स हैं उन पर इक्वल चार्जेस की इंडक्शन होती चली जा रही है और डिस्ट्रीब्यूशन होती चली जा रही है, जिस वजह से हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि सीरीज कंबिनेशन के ऊपर क्या होगा कि जितने चार्ज इनिशियली इंड्यूस होंगे उतने ही चार्ज आपके पास बाद में ज्यादा स्टोर होंगे। लेकिन हम इसको बेहतर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको बेहतर करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप यहां से बड़े वाले कैपेसिटर को उठाकर पहले लगा दें। जैसे ही आप बड़े कैपेसिटर को फॉर एग्जांपल पहले लगा देंगे तो आप देखें कि पहले वाले कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी, चार्ज ज्यादा स्टोर होंगे, हो सकता है कि सिक्स चार्जेस आ जाए। अब सिक्स चार्जेस की वजह से नेक्स्ट प्लेट के ऊपर आने तो सिक्स चाहिए, लेकिन क्या है कि कैपेसिटर की प्लेट छोटी है तो हो सकता है उस पर चार ही इंड्यूस हो, तो अब ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ हमारे पास ये वैल्यू जो है वो चल सकती है, लेकिन स्मॉल टू ग्रेटर की तरफ नहीं जा सकती। इसी तरह अगर आप ये ग्रेटर कैपेसिटर को यहां पर लगा दें और स्टार्ट में एक ही कैपेसिटर का चार्ज आ जाए कैपेसिटर पे, तो उस एक चार्ज की वजह से आपके लास्ट वाले ग्रेटर कैपेसिटर के ऊपर भी एक ही चार्ज रहेगा। तो इसलिए यहां पर हमारे पास एक कंक्लूजन तो आ रहा है, वो एक कंक्लूजन क्या कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास चार्ज के लिए कैपेसिटर्स की क्वांटिटी जैसी भी हो, हमारा फर्स्ट पॉइंट यहां पर ये बनेगा कि हमारे पास जो चार्जेस हैं टोटल चार्ज जो प्रोवाइड किया जाएगा वही हमारे पास यहां पर हर एक इक्वल होगा,
Q1, Q2, Q3 एंड अप टू सो ऑन। लेकिन स्टूडेंट इसी तरह से अगर ये देखा जाए कि पोटेंशियल की जब बात की जा रही होती है, तो पोटेंशियल के अगर अगर हम ये देखें पोटेंशियल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट, तो जो V आपने प्रोवाइड किया था वो यहां पर इसकी वजह से आने वाले हर कैपेसिटर के पास पहले से कम पोटेंशियल मिलेगा, यानी इसको पहले एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी, ये ज्यादा एनर्जी में से कुछ कंज्यूम करके बाकी पास आउट कर देगी, तो बाकी वालों को कम मिलेगी, उससे आगे वाले को और कम, उससे आगे वाले को और कम। तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वैल्यूज जो है वो चलती है। इस वजह से हमारे पास यहां पर जो पोटेंशियल की बात की जाए तो वो फॉर्मूला हमारे पास कुछ कंट्रीब्यूट यूं होता है स्टूडेंट, द टोटल पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू द ऑल कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द V1, V2, V3। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम ये कंक्लूड करेंगे ऑल कैपेसिटर्स गेट इक्वल चार्ज, इसमें हम ये कंक्लूड करेंगे द टोटल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर हम स्टूडेंट यहां पर अब बात करें थर्ड पॉइंट के अंदर कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस के लिए भी आप ये देखें फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये थर्ड पॉइंट आता है कैपेसिटेंस का, तो यहां पर हम ये कंक्लूड करेंगे कि कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फॉर एग्जाम्पल के वी का, तो V के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पर ये पॉइंट देखें कि मैं अगर इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर देता हूं V1 की जगह पर, तो V1 की जगह पर मेरे पास फॉर्मूला स्टूडेंट आता है Q ओवर C प्लस Q1 ओवर C, Q2 ओवर C, सॉरी Q ओवर C1, C2, Q ओवर C3। अब क्यों हमने सेम इसलिए रखे हैं क्योंकि हर एक के पास इक्वल सेम चार्ज आ रहा था, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहां से क्यू की वैल्यू को कॉमन ले लें हर एक में से, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 वी। क्यू को यहां डिवाइड करवा दिया जाए, V/Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी तरह V/Q को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट ये हमारे पास रेसिप्रोकल है, जैसे कि Q/V जो है हमारे पास C के इक्वल है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें V/Q कर दें तो ये होगा 1/C के इक्वल। सो हम यहां पर यही वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा जो कैपेसिटेंस को शो करेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को। सो दिस इज 1/C व्हिच इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर एज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहां पर कंक्लूजन क्या होगा आपके पास कि यस यू कैन रिप्लेस ऑल दीज कैपेसिटर्स बाय अ सिंगल वन दैट हैविंग द सेम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द ऑल दीज अदर्स, यानी कि अब आप एक ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटर यूज कर सकते हैं कि जिसकी कैपेसिटेंस इन तमाम कैपेसिटेंस से ग्रेटर हो सेम वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर से ज्यादा है nth के लिए है, तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ यू रहेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अप टू 1/CN, यानी nth नंबर ऑफ कैपेसिटेंस के लिए आप कैपेसिटर्स भी यूज यहां पर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास यहां पर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मोस्टली हम 4 to 5 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिनकी हेडिंग्स भी हमने यहां पर साथ साथ शेयर की, मैं फिर भी आपको गाइड कर देता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट आप अपने जब भी पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्कस द फॉर्मूला फॉर द एक्सप्लेनेशन, देन ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन दिस डायग्राम कि हाउ कैन यू ज्वाइन द कैपेसिटर्स इन दिस कॉम्बिनेशन, और लास्ट में फिर जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन होंगी, करेक्टरिस्टिक्स के लिए स्टूडेंट आपके पास ये कुछ हेडिंग्स होंगी। जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग काम किया तो आप ये हेडिंग्स बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यू हैव टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल, then you have to discuss about the charges, potential on capacitors, charges on capacitors, capacitance, equivalent capacitor,
और कैपेसिटेंस, और लास्ट में स्टूडेंट आपके पास पॉइंट आता है nth नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो स्टूडेंट जो हमने अपना प्रीवियस लेसन कल के लिए डिस्कस किया था, जिसमें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था, उसमें भी हमने यही 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने हेडिंग्स नहीं बनाई थी, लेकिन यहां पर आपको मैंने हेडिंग्स स्टूडेंट बता दी हैं, सेम यही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो नंबरिंग है वो चेंज हो सकती है। जैसे सबसे पहले मैंने यहां पर डिस्कस किया है चार्जेस ऑन कैपेसिटर को, सेकंड नंबर पर मैंने डिस्कस किया है पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर्स को, थर्ड नंबर पर मैंने स्टूडेंट ये डिस्कस किया है कैपेसिटेंस को, और फोर्थ नंबर पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर को, और ये लास्ट में जो लाइन हमने मेंशन की थी, दिस इज अबाउट द nth नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर कम से कम आपको ये 5 कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं जो आपने डिस्कस करनी है। तो उम्मीद है कि आपको आपके ये वाला टॉपिक जो है वो भी बहुत ज्यादा आसान लगा होगा और आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। फर्दर स्टूडेंट हमारे पास इन कॉम्बिनेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस आ सकती हैं, कि जिसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज को कॉन्स्टेंट रखकर डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जो है वो डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। अलबत्ता जो हमारे पास प्रॉपर यूज है इन पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि हम इनको जो है वो क्लासिफाई क्यों करते हैं, इनके दरमियान डिफरेंशिएशन क्यों रखते हैं, उसकी बेसिक वजह यह है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे किसी जगह पर इक्विवेलेंट पोटेंशियल चाहिए तो फिर मैं पैरेलल यूज करूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, यानी इक्वल चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए है डिफरेंट वैल्यूज पर, तो फिर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी के पर्पज के लिए आप डिफरेंट कैपेसिटर्स की जो कॉम्बिनेशन है या रेजिस्टर्स के जो कॉम्बिनेशन है वो यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।